आज हम लोग सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल मीटर की बात करेंगे। सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल मीटर की बात करें तो ये हमारे घर पे लगा होता है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो ये हमारे घर पे कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है वो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम महीने भर में हमारे यहाँ कितनी ऊर्जा की खपत हुई और इसी के आधार पर हमारे यहाँ बिजली का बिल बनता है कि कितने पैसे उसमें लगते हैं। ये सिंपल हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर का सर्किट डायग्राम है। अंदर से इसका कुछ सर्किट डायग्राम ऐसा होता है। अगर हम बात करें जो खंबा होता है, जो मेन लाइन होता है, पोल होता है, पोल से हमारे पास हम दो वायर लेते हैं, न्यूट्रल का लेते हैं और फेज का लेते हैं। तो न्यूट्रल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो चार पॉइंट है, जिसमें से ये वाले दो पॉइंट हमारे इनपुट वाले सेक्शन के लिए रहते हैं और ये वाले दो पॉइंट हमारे आउटपुट सेक्शन के लिए। मतलब जो खंबे से जो पोल से हमारे दो वायर आएंगे वो हम इन दो पॉइंट्स पे देंगे और इन दो पॉइंट्स से हम हमारे घर पे आगे हम सप्लाई देंगे। जैसे हम बात करें फेज की, तो यहाँ पे तीन फेज की तीन लाइन आई हुई, इसमें से हम किसी भी एक लाइन से फेज ले लेंगे और इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है ये हमारा, आप जैसे अगर मीटर पे देखेंगे तो यहाँ पे L लिखा होगा, L मतलब लाइन, यहाँ पे आपका N लिखा होगा। तो जो फेज आता है हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और जो न्यूट्रल आता है हम इसके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे घर पे जैसे हम बात करें आगे जो MCB वगैरह होगी, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ से हमारा फेज जाएगा, यहाँ पे एन रहता है और यहाँ पे एल रहता है। ये हमारे एमसीबी दो पॉइंट होते हैं। जो फेज होता है ये हम एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पे देते हैं और ऊपर वाले से हम आउटपुट लेते हैं। ये इसका इनपुट सेक्शन होता है, ये इसका आउटपुट सेक्शन होता है। जैसे ये वाला पार्ट इसका, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा इसका इनपुट सेक्शन है और ये वाला हमारा इसका आउटपुट सेक्शन है। यहाँ से हम इसको फेज दे देंगे और यहाँ से न्यूट्रल उठा के हमें जहाँ पे आगे न्यूट्रल सप्लाई करना है वहाँ देंगे। इसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल होगा, कैसे हम मीटर पे कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने दो तरीके की बात लिए, जैसे हमने फेज और न्यूट्रल डायग्राम में इससे पहले देखा, न्यूट्रल फेज की बात की थी। तो जो रेड वाला वायर है हमारा फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि येलो वाला वायर हमारा ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे हमने देखा कि जो फेस वाला वायर आएगा, ये हम इसके इस वाले सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ पे देंगे और इसी के रिस्पेक्ट में जो येलो वाला होगा मतलब न्यूट्रल वाला वायर हम यहाँ के देंगे, यहाँ पे देंगे जिस और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जैसे हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल के पास में न्यूट्रल होगा तो यहाँ से हम यहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे और इसको हम फेस से कनेक्ट कर देंगे, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और ये वाला हम फेज से कनेक्ट कर देंगे। अभी जो फेज वाला वायर था, फेज वाला हम इसको एमसीबी के नीचे कनेक्ट कर देंगे और एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे, मतलब सप्लाई देंगे बाकी चीज़ों को जिसको हमें कंट्रोल करना, ये दे देंगे। इसके बाद ये वाले पॉइंट से हम जो हमारा मीटर से जो न्यूट्रल वाला वायर था हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये बल्ब कनेक्ट। ये जैसे हम देखें हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है। इसके बाद ये जो फेज वाला वायर हमने एमसीबी पे दिया, एमसीबी से हमने बल्ब को दिया, अब एमसीबी अगर हम ऑन करें तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। ये सिंपल हमारा मीटर कनेक्शन। थैंक यू सो मच। सावधानियाँ जो मीटर के साथ में हमें रखनी चाहिए, जैसे कि मीटर पर जो मीटर की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा उस पर लोड नहीं डालना चाहिए। मीटर के आसपास कोई भी ज्वलनशील चीज़ें, जैसे कि ज्वलनशील चीज़ें नहीं रखना चाहिए, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, वो मीटर के आसपास नहीं रखना चाहिए। मीटर के पास में सीलन ना होने दे, मतलब मीटर को जब भी हम लगाएं तो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे सीलन वगैरह ना हो। मीटर के तुरंत बाद एमसीबी या फिर ईएलसीबी लगाना चाहिए।
मीटर के सील से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ सावधानियां थी जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।